दोस्तों स्वागत है आपका। आईपीएल 2018 जो है वो हो चुका है खत्म और चेन्नई सुपर किंग ने दोस्तों अपने ही अंदाज में इस टाइटल को किया है अपने नाम। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2019 की, बात करेंगे आईपीएल 2019 को लेकर जो भी अपडेट अभी तक आई है उनके बारे में और आईपीएल 2019 का ऑक्शन कैसा होने वाला है उसके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2019 से लेकर वो है दोस्तों कि आईपीएल 2019 जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जी हां दोस्तों 10-15 दिन पहले ही जो है आईपीएल 2019 स्टार्ट हो जाएगा और सिर्फ 1.5 महीने का होने वाला है आईपीएल 2019। जी हां दोस्तों सिर्फ 1.5 महीने का होगा और इसके पीछे दो बहुत ही बड़े कारण है। एक तो दोस्तों लोकसभा का चुनाव और दूसरा जो है वो है दोस्तों 2019 में होने वाला है वर्ल्ड कप। तो ये दो बड़े कारण है जिसके कारण आईपीएल 2019 जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ा सा छोटा भी रहने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीएल 2019 के ऑक्शन की। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आईपीएल 2019 का जो ऑक्शन है वो मिड फेब में होने वाला है, यानी आईपीएल 2019 का ऑक्शन भी थोड़ा सा जल्दी होने वाला है। अब बात करें दोस्तों प्लेयर को लेकर, तो प्लेयर को यहाँ पर किया जाएगा रिलीज। टीम के द्वारा दोस्तों प्लेयर जो है रिलीज किए जाएंगे और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर जो है वो डिसाइड होगा। ज्यादातर दोस्तों 5 और 10 रहता है, यानी मिनिमम 5 प्लेयर रिलीज करेगी टीम और मैक्सिमम जो है वो 10 प्लेयर रिलीज करेगी। दोस्तों एक टीम उन प्लेयरों को रिलीज करती है जिनको वो नहीं चाहती कि वो उनकी टीम में अगले सीजन में भी खेले। और दोस्तों दूसरा बड़ा कारण जो रिलीज का होता है, मान लीजिए किसी टीम को लग रहा है कि एक प्लेयर के ऊपर उन्होंने ज्यादा बोली दे दी आईपीएल 2018 में, आईपीएल 2018 के ऑक्शन में, तो ऐसे में दोस्तों उस प्लेयर को वो रिलीज कर देगी आईपीएल 2019 में और उससे कम कीमत में जो है आईपीएल 2019 के ऑक्शन में खरीदने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों ऐसे जो है टीम रिलीज करती है प्लेयरों को। तो दोस्तों हर टीम के जो रिलीज प्लेयर होंगे वो आएंगे आईपीएल 2019 के ऑक्शन में। और दोस्तों इनके अलावा भी और भी कई सारे प्लेयर जो है वो आने वाले हैं ऑक्शन में, जैसे कि दोस्तों युवा खिलाड़ी जो होते हैं अंडर 19 के, मान लीजिए बहुत ही अच्छे जो खिलाड़ी आते हैं उन्हें भी आईपीएल 2019 के ऑक्शन में मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी वो कुछ अपडेट जो आ रही थी आईपीएल 2019 से लेकर, आईपीएल 2019 के ऑक्शन से लेकर हमने आपको दे दिया सारी अपडेट। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जैसे ही हमें दोस्तों और कोई अपडेट मिलती है तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।